फेसबुक अकाउंट डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले ओपन करना होगा अपना मोबाइल। मोबाइल ओपन करने के बाद आपको फेसबुक का जो ऐप है उसे ओपन करना होगा। तो जैसे कि मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ओपन करने के बाद मेरा ये ऐसे इंटरफेस आ रहा खुल करके, और यहाँ पे कोने पे देख रहे हैं, खुलने के बाद कोने पे थ्री डॉट और या तीन लाइनें होंगी, उसमें आपकी डीपी लगी होगी, नहीं लगी है तो कुछ नेम का अक्षर का कुछ आ रहा होगा कोने पे दाएं साइड पे, तो उसको आप टच करते हैं। उसको टच करने के बाद इसको नीचे की साइड में स्क्रॉल करते हैं। नीचे की साइड जब स्क्रॉल कर देंगे तो यहाँ पे और एक ऑप्शन आएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, सेटिंग एंड प्राइवेसी आएगा, तो उसके बाद इसमें फिर ये ऑप्शन बहुत सारे खुल करके आ जाएंगे। देख रहे होंगे आपके सामने कितने ऑप्शन खुले हैं, सेटिंग प्राइवेसी, सेटिंग प्राइवेसी शॉर्टकट टाइम योर फेसबुक डिवाइस रिक्वेस्ट, ऐसे करके बहुत सारे नीचे आ जाएंगे। डार्क मोड, लिंक हिस्ट्री, लैंग्वेज, मोबाइल डाटा यूज, पूरा सारी डिटेल इसमें मिल जाएंगी। तो इसमें आपको खोलने के बाद क्या करना है, एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग, सेटिंग को आपको टच करना है। सेटिंग को टच करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जब ये मेटा अकाउंट सेंटर जो ये ऊपर ही खुल के आ रहा है, ये इतना पोर्शन ये खुल के आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक कर देंगे तो ये ऐसे अकाउंट सेंटर खुल के आ जाएगा मेटा का। उसके बाद इसको आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा अकाउंट सेटिंग में पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल पे आपको क्लिक करना है। और तो यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल मेरी दिखाई दे रही होंगी, तो उसको मैं ब्लर करके रखा हुआ हूँ, तो इसलिए वो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। इसी पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यही पे अब डिलीट करने वाला ऑप्शन मिल चुका है। अगर इसको आप ध्यान से नहीं देखेंगे, थोड़ा सा भी स्किप करेंगे, तो आप डिलीट नहीं कर पाएंगे अकाउंट को। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अकाउंट को डिलीट करते हैं यहाँ से, उसके बाद भी अकाउंट उनका डिलीट नहीं होता है, फिर कहते हैं यार ये तो वीडियो में इन्फॉर्मेशन गलत बता दी। जब आप पूरी वीडियो देखोगे नहीं तो कैसे आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, एक बार इसको गौर से देखिएगा। देखिएगा ये नीचे दो ऑप्शन छोड़ करके, ये अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, ये ऑप्शन सबसे नीचे है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए हैं आपके सामने खुल के, अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल में दो ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो ये जो दूसरा नंबर वाला ऑप्शन है डीएक्टिवेशन एंड आर डिलीशन, तो इसको आपको क्लिक कर देना है। जब इसको क्लिक कर देंगे तो इसमें आपको फिर दो ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे, दो अकाउंट खुल के आ रहे हैं मेरे पास। आपके जितने अकाउंट लगे होंगे वो सारे अकाउंट खुल के आ जाएंगे, तो मेरे तो दो अकाउंट लगे हुए हैं, एक्टिवेट हैं, तो वो दो अकाउंट दिखाते हैं। इसमें पूछ रहा कौन से अकाउंट को आपको डिलीट करना है, तो जैसे कि मेरा ऊपर वाला फेसबुक है तो मैं उसको क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर ऑप्शन आ रहा है डीएक्टिवेशन अकाउंट या फिर डिलीट अकाउंट, आपको अकाउंट को डिलीट करना है या फिर डीएक्टिवेट करना है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको डीएक्टिवेट करना है या डिलीट करना है, डीएक्टिवेट करना है तो ऊपर वाले पे क्लिक करके रखना है, अगर डिलीट करना है तो नीचे वाले पे। तो हमको आपको क्या करना है भाई, हम सबको अकाउंट को डिलीट करना है। तो आप लोग भाई अभी भी फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखिएगा यहीं पे आप सोच रहे हैं कि डिलीट में आ गए तो कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो ये इस पे हम डिलीट वाले पे क्लिक कर देते हैं। डिलीट वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद देखिएगा अब ये बता रहा है कि आपने इस फेसबुक से एक पेज बनाया हुआ है, एक नहीं दो पेज बने हुए हैं, एक टच पॉइंट मौर्य बना हुआ है, एक रिंकू मौर्य बना हुआ है। तो ये दोनों अगर हम उस अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं फेसबुक को, तो ये दोनों पेज भी चले जाएंगे, दोनों पेज भी डिलीट हो जाएंगे साथ में। तो हमें क्या करना है, यस करना है या नो करना है, तो हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू कर दिए, अब यहाँ पे रीजन पूछ रहा है कि आप क्यों डिलीट करना चाह रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो भाई रीज़न बताना पड़ेगा ना, तो कुछ भी आप इसमें कर दीजिए, अगर नहीं करना तो ऐसे भी आगे निकल सकते हैं। तो यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको देखिए पूछ रहा है परमानेंटली डिलीट अकाउंट, अब आपको यहाँ से डीएक्टिवेशन अकाउंट करना है या फिर डिलीट करना है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जितनी भी आपने फ़ोटो या कोई इंफॉर्मेशन फेसबुक पे अपलोड की है, तो
तो आप अभी डिलीट करने के पहले कुछ भी चीज़ आप इंफॉर्मेशन जो है कि वो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अभी देखिए कितनी लंबी प्रोसेस है, आप लोग वीडियो स्किप करते और भूल जाते, तो इसलिए वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, गौर से देखिएगा सब कुछ बेटा। ये देखिएगा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई अगर कॉपी वापी है, कोई फ़ोटो वगैरह है, कोई ब्लॉगिंग है, वो सारा कुछ आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई मैसेंजर डीएक्टिवेट करना है इंस्टा, तो आप यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं करना है तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे तो कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालेंगे तभी जो है कि ये अकाउंट डिलीट होगा। तो यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका अकाउंट हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, अगर आप अकाउंट को अभी डिलीट करने के 30 दिनों के अंदर अकाउंट को आप रीलॉगिन कर देते हैं तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा, वो आपका अकाउंट दोबारा से फिर लॉगिन हो जाएगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर अकाउंट अभी आपने डिलीट कर दिया है तो आज से लेकर के 30 दिन के अंदर आपको अकाउंट को रीलॉगिन नहीं करना है, अकाउंट को फिर दोबारा खोलना नहीं है। अगर आपने उस अकाउंट को दोबारा रीलॉगिन किया, खोला, कुछ भी उसमें हलचल आपने करी तो अकाउंट डिलीट नहीं होगा, दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों कि अकाउंट को आपको रीलॉगिन नहीं करना है। अब यहीं से आपका अकाउंट 30 दिनों के अंदर परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। जो भी इसका रिलेटेड पेज बने थे इस अकाउंट से, वो सारे पेज भी डिलीट हो जाएंगे और आपका अकाउंट भी फेसबुक का डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो कमेंट करके बताइए आपको कैसी वीडियो और चाहिए।